जिनेंद्र, मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सोच रहा था कि आज किस विषय पर आपसे चर्चा की जाए, तो एकदम मेरे मन में आया कि आजकल जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है वैक्सीन की, कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन से कोरोना को हम हरा सकेंगे। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, वैक्सीन ठीक है अथवा नहीं है, लगवाई जानी चाहिए नहीं लगवाई जानी चाहिए, कितने दिनों में वैक्सीन इस बीमारी से हमें निजात दिला देगी। यह भी कल खबर आई कि नॉर्वे के अंदर कुछ वृद्ध लोग, शायद 23 लोग, वैक्सीन लगाने के बाद उनकी डेथ हो गई, तो कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि जो बहुत वृद्ध लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। कोरोना महामारी और वैक्सीन से उसका बचाव, यह एक अपने आप में स्वतंत्र विषय है, इस पर शोध चलती रहेगी, इस पर चर्चाएं चलती रहेंगी। लेकिन हमें इससे पहले वायरस, उससे उत्पन्न बीमारी और उसके बचाव के बारे में हमारे पास क्या उपाय है, उस पर चर्चा करनी होगी। दांत के एक कोने में इतने अनगिनत लाखों वायरस छुपे हुए हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में कहूं कि शरीर के एक एक कण के अंदर, एक एक कोने में लाखों वायरस छुपे हुए हैं। कल कोई सज्जन बैठे बता रहे थे कि वैज्ञानिकों को अनुमान है कि पूरी दुनिया का वायरस, जो यह कोरोना वाला है, इसे मिला लिया जाए तो संभवतः उसका वजन 4 से 5 ग्राम होगा। मैंने कहा हो सकता है उससे भी कम हो, यह वायरस इतना छोटा है कि पूरी दुनिया के वायरस को मिला लिया जाए तो भी शायद उसका वजन 4 से 5 ग्राम भी न हो। अब एक इतने छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और हमें तो मालूम ही नहीं है कि वायरस हैं कितने। हमारे अपने शरीर में इतने अनगिनत वायरस हैं कि जिनकी गणना संभव ही नहीं है। आज के वैज्ञानिक विकास के बावजूद भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। तो कितने वायरस की हम खोज करेंगे और कितनी वैक्सीन उसकी तैयार करेंगे। वैक्सीन को लेकर भी जो प्राकृतिक रूप से जीवन जीने की बात करते हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं कि वैक्सीन के भी, पर्टिकुलरली आप अगर होम्योपैथी डिसिप्लिन में जाएं तो होम्योपैथी के डॉक्टर्स कहेंगे कि भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। यह उनकी एक अवधारणा है, क्योंकि जो कुछ भी चीज हम बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो शरीर में पहले से विद्यमान नहीं है, वो प्रभाव छोड़ेगी तो दुष्प्रभाव भी छोड़ेगी, और यदि वह प्रभाव स्थायी है तो वह दुष्प्रभाव भी स्थायी होगा। ऐसे बहुत से परिवार हैं मेरी जानकारी में जो कभी किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगवाते और जिन्होंने पीढ़ियों से कभी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो यह वैक्सीन का विषय अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास भी कोरोना से बचाव के लिए कोई अपनी वैक्सीन है, क्या हमारे पास भी इसका कोई उपाय है। यदि हम प्रकृति के नियम को समझना प्रारंभ करें तो हमें इसका उत्तर, इसका समाधान मिल जाता है। प्रकृति ने हर प्राणी को जिसे जन्म दिया है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की है। पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से यदि उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, पतंगा जो पेड़ पौधों के ऊपर दौड़ता है, चाहे उसका रंग हो, चाहे उसकी पत्तियां हो, चाहे उसके डंक हो, चाहे पेड़ पौधों के कांटे हो, हर जीव जंतु के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है कि वह अपनी सुरक्षा किस प्रकार करेगा। और हम इस बात को भी जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। तो जब हर छोटे से छोटे जीव जंतु के सर्वाइवल के लिए, उसके जीवित रहने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है, तो प्रकृति की जो सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो सबसे सुंदर रचना है,
क्या उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था नहीं की हुई? स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वस्थ ही है। आज भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, हम अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं। अब ये कहा जाता है कि जिन्होंने उस पर शोध की है कि अंडमान निकोबार के जो ये आदिवासी लोग जिनके यहाँ आम जनता को मिलने की अनुमति नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। जंगल का जानवर स्वस्थ रहता है, उसे किसी प्रकार का टीकाकरण नहीं किया जाता, उसके लिए किसी प्रकार की दवा नहीं दी जाती। उसी प्रकार से हम भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हैं जब तक हम अपने कामों से अपने स्वास्थ्य के अंदर किसी प्रकार की का असंतुलन, किसी प्रकार की गड़बड़ पैदा नहीं करते। हमारी कठिनाई है कि हम अपना जीवन असंतुलित असंयमित रूप से जीते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ रहती है और उस लाइफस्टाइल की गड़बड़ को हम दूर करना चाहते हैं कि गड़बड़ तो मैं कर लूं, फिर एक गोली खा लूं और सारी गड़बड़ की मेरी सफाई हो जाए। तो वह कैसे संभव हो पाएगा? यदि हम अपने जीवन में संतुलन बना करके रखें, हम अपने जीवन की व्यवस्था को ठीक रखें, हम अपनी जीवनचर्या को ठीक रखें, तो फिर उस दवा की, उस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी आप दवा लेंगे उसकी अपनी एक सीमा होगी, वह उस गड़बड़ को, उस असंतुलन को पूरे रूप से किस प्रकार से ठीक कर पाएगी। हमारे जीवन में असंतुलन आता है हमारी दिनचर्या से, हमारे जीवन में असंतुलन आता है हमारे भोजन से, हमारे जीवन में असंतुलन आता है हमें हमारे अपने विचारों से। हमारे सोने का समय निर्धारित नहीं, हमारे उठने का समय निर्धारित नहीं, हमारे जीवन में इस जीवन को गतिशील कर रखने के लिए जिस प्रकार की व्यायाम की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के व्यायाम का समय निर्धारित नहीं। हम उसका पर्याप्त मात्रा में व्यायाम होना चाहिए, वह नहीं होता। प्रकृति ने इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि इस शरीर से आप जितना ज्यादा काम लेंगे, एक हम लोगों ने जो दोहा पढ़ा हुआ है कि सुरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यो बड़े बिन बाटे घट जात, ये हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया था विद्या के बारे में कि सुरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। वही बात तो इस शरीर के साथ लागू होती है कि इसे जितना ज्यादा काम दिया जाता है, जितना इसको गतिशील रखा जाता है, जितना इसको क्रियाशील रखा जाता है, उतना ही यह अधिक ऊर्जावान बनता है, और जितना इसे सुस्त छोड़ दिया जाता है उतना ही यह बीमार होना शुरू हो जाता है। अब अगर मॉर्निंग वॉक हो रहा है, मॉर्निंग में व्यायाम हो रहा है, साइकिलिंग की जा रही है, क्रियाशील इसको रखा जा रहा है, हर कोशिका को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, हर कोशिका वापिस प्राणवान बन रही है, तो उसकी उम्र बढ़ गई, उसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, उसमें ऊर्जा बढ़ गई। और जितना उसको आपने ढीला छोड़ दिया, अक्रियाशील कर दिया, जितना उसको सुस्त बना दिया, वैसे ही वह उसकी उसका उसकी जीवन शक्ति कम होती चली गई। हमने इस नियम को भुला दिया। अब हमारा लाइफस्टाइल हो गया कि जिसमें अब तो टीवी का बटन भी नहीं दबाना, बिजली का बटन भी नहीं दबाना, गाड़ी के अंदर बैठना है, कार में भी कोई ड्राइवर बैठ करके चला रहा है वह भी हमें चलानी नहीं। तो इस शरीर को हमने इतना अक्रियाशील कर दिया कि अब उसमें से जीवन शक्ति समाप्त होने लगी, क्योंकि वहां उपयोगिता नहीं रही। प्रकृति ने हमें यह नियम प्रदान किया है कि आप ऊर्जा को खर्च कीजिए, आपको एक जरा सुने भाई, जितना आप इसको क्रियाशील रखेंगे उतना ही अधिक वह ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और जितना आप कम क्रियाशील रखेंगे वह उतना ही कम ऊर्जा को ग्रहण करेगा। तो हम अपने जीवन में अपने इस शरीर को क्रियाशील रखने के लिए क्या श्रम कर रहे हैं, क्या उपक्रम कर रहे हैं, यह हमारे चिंतन का पहला विषय है। और जितना क्रियाशील रखेंगे वह उतना ऊर्जावान बनेगा, उतनी ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वही बात भोजन के साथ लागू होती है कि हमें भोजन, आप भोजन की बहुत चर्चाएं हमारे कार्यक्रमों में होती हैं, आपने इन चर्चाओं को सुना भी है, आपने उसके अनुसार अपने जीवनचर्या को परिवर्तन करने का प्रयास भी किया है। अभी वो बर्ड फ्लू की बात चल रही है, स्वाइन फ्लू की बात चल रही है,
और न जाने रोज, पहले एक मैड काउ की बात चल रही थी, न जाने रोज रोज अभी इसी कोरोना वायरस के संबंध में भी आया था कि इसका संबंध कहीं ना कहीं शायद भोजन से है। यह भोजन की चर्या में जितना असंतुलन आएगा, शरीर को जिस तरह के भोजन की आवश्यकता है उस तरह का भोजन दिया जाए, शरीर अपने आप से स्वस्थ चलेगा। और केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति ने जो उसके लिए भोजन की व्यवस्था की है उसको छोड़ करके दूसरा भोजन करता है। बाकी सब प्राणी केवल वही भोजन करते हैं जो प्रकृति ने उसके लिए निर्धारित किया है। शेर ने घास खाना शुरू नहीं किया, हिरण ने मांस खाना शुरू नहीं किया। उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, जितनी व्यवस्था की गई है, वह उतना ही भोजन करता है, वही भोजन करता है। बीच बीच में मनुष्य को जब समय मिल जाता है तो उनका भोजन बिगाड़ देता है। हमने घर में एक पालतू जानवर रखा हुआ है, उसे न जाने अब हम कई बार मीठा भी खिला देते हैं, कई बार नमकीन। अब कुत्ते को नमकीन और मीठा कहाँ चाहिए, गाय को नमकीन और मीठा नहीं चाहिए। उसको प्राकृतिक रूप से जो उगा हुआ भोजन है, जो उसके लिए प्राकृतिक रूप से बना हुआ वैसा ही भोजन चाहिए, उसे कहाँ मसाले चाहिए। लेकिन हम उसको मसालों की उपलब्धता करवा करके उसमें कहीं ना कहीं उसे वह भोजन प्रदान कर देते हैं जो उसका भोजन नहीं है। सीमित मात्रा में देते हैं तो कई बार वह उसका शरीर उसको स्वीकार कर लेता है, नहीं तो वह बीमार होना शुरू हो जाता है। तो हमने भोजन में परिवर्तन किया, हमने उसे खाना शुरू किया जो हमें खाना नहीं चाहिए था, हमने उस समय खाना शुरू किया जो जिस समय हमें नहीं खाना चाहिए था, हमने उतनी मात्रा में खाना शुरू किया जिस मात्रा में हमें नहीं खाना चाहिए था, हमने कोई व्यवस्था नहीं की कि वह खाना ठीक से पच जाए, हमने कोई व्यवस्था नहीं की कि पचने के बाद जो उसमें से वेस्ट हो गया है वो वेस्ट निकल जाए, हमने कोई व्यवस्था नहीं की कि हमारे पाचन तंत्र को बीच बीच में विश्राम मिल सके जिससे कि वह अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा को पुनः अर्जन कर सके। तो जब ये व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो वही भोजन जो शरीर के पोषण का कारण होना चाहिए वह हमारे शरीर में टॉक्सिक पैदा करने का कारण हो जाता है। वही भोजन टॉक्सिक बनना शुरू हो जाता है, टॉक्सिसिटी पैदा करना शुरू कर देता है। अब जब टॉक्सिक बनेगा तो निश्चित रूप से उसकी इम्यूनिटी कम होगी। अब टॉक्सिक की सफाई के लिए फिर हमें अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है, दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, उसके माध्यम से हम अपने टॉक्सिसिटी को दूर करने का प्रयास करते हैं। परंतु उससे कितने टॉक्सिक निकल पाएंगे। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाने के लिए जाता है, डायलिसिस इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि उसकी किडनी ठीक से काम नहीं करती। किडनी का काम होता है कि शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स पैदा हो गए हैं उनको वो बाहर निकाल दे मूत्र के माध्यम से। अब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो वो टॉक्सिक जो है वो शरीर में रह करके रक्त में मिलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो रक्त में मिलना शुरू हो जाते हैं तो रक्त दूषित हो जाता है, उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक सीमा से ज्यादा क्रिएटिनिन लेवल जब हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये पॉइजनस हो गया है। तो फिर एक मशीन लगा करके उस मशीन से, जिसका नाम हम डायलिसिस देते हैं, रक्त को उसके द्वारा हम प्रवाह करते हैं, और वो मशीन जो है वो रक्त को साफ करती है, उसमें से कुछ क्रिएटिनिन को, कुछ टॉक्सिक्स को निकाल लेती है, बाकी को शरीर में वापिस डाल देती है। यह बड़ी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, और हर बार जब आप डायलिसिस करवा के आते हैं तो यदि आप सो गए थे तो वापस सो तो नहीं आते, 99.99 हो सकते हैं कुछ ना कुछ बच जाता है, और वह एक बार में उस सारे टॉक्सिक को बाहर निकाल भी नहीं पाता, वह केवल थोड़ा सा टॉक्सिक उसको बाहर निकाल देता है कि जिससे आपका जीवन चलता रहे। अब प्रकृति ने जो आपकी व्यवस्था की हुई है वह सारे टॉक्सिक्स को बाहर निकालने की है, बाहरी जो व्यवस्था होगी वो सारे टॉक्सिक्स को बाहर नहीं निकाल पाएगी। या आप सारे टॉक्सिक्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको कठिन श्रम करना पड़ेगा, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा करनी पड़ेगी, पूरे भोजन को परिवर्तन करना पड़ेगा, पूरी जीवनचर्या को परिवर्तन करना पड़ेगा, तब आप टॉक्सिक को निकाल पाएंगे, और फिर कहीं उसको दूषित कर लेंगे तो फिर हमारे सामने कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो हमारी भोजनचर्या ने भी हमारे सामने ये चुनौती पैदा की है कि हम शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक नहीं रख पाते। अब अगर हम भोजन को ठीक रखेंगे तो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप से ठीक रहेगा। अब आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्राणायाम भी तो केवल इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखने का उपाय है। प्राण शक्ति को लेना, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो गाड़ी चलती है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, लेकिन केवल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल के साथ अगर बाहर से हवा आनी बंद हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसको ऑक्सीजन साथ में चाहिए। पेट्रोल आता है, पेट्रोल के साथ ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंबुशन होता है, उससे ऊर्जा पैदा होती है, उससे गाड़ी चलती है। हम भोजन करते हैं लेकिन भोजन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा योग जिसका होता है वो ऑक्सीजन का होता है,
जितनी जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वह बर्निंग का काम करती है। जब ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो वह ऊर्जा पैदा होनी बंद हो जाएगी, वह बर्निंग का प्रोसेस बंद हो जाएगा, वह कम्बशन का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा एक तो वातावरण में कम हो गई क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली वालों को इसका बहुत अच्छा अनुभव है, और आजकल तो अनुभव और अधिक हो रहा है जब सर्दी पड़ रही है, हवा चल नहीं रही है, कोहरा छाया हुआ है, तो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। उस पर चूंकि हम शारीरिक श्रम नहीं करते, श्रम ने अपने आप व्यवस्था की हुई है कि जब हम श्रम करेंगे तो अपने आप से हमारी श्वास तेज चलेगी, तो हम उससे ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ज्यादा कंबशन होगा तो ज्यादा बर्निंग होकर के ज्यादा टॉक्सिक्स को बाहर निकालेंगे। अब वो व्यायाम नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन का इनटेक कम हो रहा है। उसका एक बहुत ही सुंदर सब्स्टिट्यूट था कि साथ साथ में हम लोग प्राणायाम का प्रयोग करते। अब प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो एक एक कोशिका के पास अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचेगी, उस कोशिका के अंदर जीवनदायिनी शक्ति आएगी और हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, तो वह प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे। और फिर इन सबसे बढ़कर के सबसे ज्यादा बड़ा प्रयोग है विचारों का प्रयोग। अब एक छोटा सा विचार, एक मिनट के लिए जब हमें क्रोध आता है, एक मिनट के लिए जब हम दुखी होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, उस एक मिनट का इमोशनल स्ट्रेस हमारे भीतर से इतनी ऊर्जा को निकाल देता है, हमें इतना अस्वस्थ करता है जो संभवतः एक महीने का भोजन नहीं करता। इतना ज्यादा वो प्रभाव डालता है, इतना ज्यादा वो अंदर तक हमारे सारे संतुलन को बिगाड़ देता है, सारे एंडोक्राइन सिस्टम को इतना प्रभावित करता है जितना और कोई चीज प्रभावित नहीं करती। और उन विचारों को संतुलित रखने का, स्वस्थ रखने का, उन विचारों को पॉजिटिव रखने का, नेगेटिव विचार अगर ऊर्जा को निकालता है तो पॉजिटिव विचार ऊर्जा लेकर भी आएगा, स्वाभाविक नियम है, हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं। तो अब हमने नेगेटिव विचारों की ट्रेनिंग तो है, और वो ट्रेनिंग जो है वो टीवी के माध्यम से है, वो मीडिया के माध्यम से है, आपसी बातचीत के माध्यम से है, किस्से कहानी के माध्यम से है, जो हम जानते हैं समझते हैं उसके माध्यम से। अब उसको तो हम निकाल नहीं रहे हैं और हम अपने आप से स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का प्रशिक्षण ही हमें नहीं है कि उन विचारों को हम पॉजिटिव कैसे रखें, उन विचारों से हमें पॉजिटिव ऊर्जा कैसे महसूस हो। आज तो विज्ञान जगत ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है यूनिवर्सली कि 90% हमारी जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है। सोमेटिक शरीर की और साइको मतलब मन की। कैंसर से लेकर के छोटी से छोटी बीमारी, स्टमक डिसऑर्डर तक की बात भी जो है वो विचार के साथ जुड़ी हुई है। और अब वो विचार यदि लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह लगातार हमारे साथ हो रहा है, तो कितने टॉक्सिक्स हम पैदा कर रहे हैं। हर छोटा वो विचार जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट लेकर के आता है, उसने उसी वक्त अपना काम कर दिया और उस ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को उसने पैदा कर दिया, उसने पूरे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर प्रभाव डाला। उन एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है उसके ऊपर प्रभाव डाला, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके ऊपर प्रभाव डाला। और यदि हर क्षण ऐसा हो रहा है तो अगर यह प्रक्रिया लगातार चल रही है तो कैसा होता होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और वह हमारे साथ हो रहा है, हम इस बात को जानते हैं। अपने आप से प्रसन्न रहने का, अपने आप से विचारों को पॉजिटिव रखने का, अपने आप से विचारों को विधायक रखने का न वे प्रशिक्षक है ना हम प्रयोग करते हैं। बीच बीच में काउंसलिंग होती है, बीच बीच में हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। वह काउंसलिंग बहुत अच्छी बात है क्योंकि बुद्धि के स्तर के ऊपर, हमारे विचार के स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं हमें काउंटर काउंसलिंग की जरूरत है जो हम समझाते रहे, लेकिन केवल उतना ही पर्याप्त नहीं। आपने जो ये कायोत्सर का प्रयोग किया, यह कायोत्सर का प्रयोग भी विचारों को संतुलित रखने का प्रयोग है। एक बार के लिए कहीं मन को शांत करके देखें, एक बार के लिए भीतर ही भीतर अपने आप को स्थिर करके देखें, संतुलित करके देखें, उस प्रवाह को रोक करके देखें और फिर महसूस करें कि हमारे भीतर क्या गुजर रहा है। आप लंबे समय से प्रेक्षा ध्यान जैसे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और बीच बीच में आपको छोटे छोटे प्रयोग करवाए जाते हैं। छोटे छोटे प्रयोग में बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप चिंतन कीजिए, आप सोचिए कि ऐसा हो रहा है, आप ऐसे रंग को देख रहे हैं, ऐसे चैतन्य केंद्र को देख रहे हैं, या ऐसा मन में भाव ला रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। यह विचार अपने आप को देकर आप अपने भीतर इतना परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। पश्चिम में आज कंटेम्पलेशन के नाम से बहुत बड़े बड़े प्रयोग चल रहे हैं कि केवल अपने आप को एक सुझाव दिया और उस सुझाव के माध्यम से आप अपने भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं।
अपने आप को यदि आपने ये सुझाव दिया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, इस ऑटो सजेशन के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, उसकी एक प्रक्रिया है, जैसे दवा लेने की एक प्रक्रिया होती है, आसन की एक प्रक्रिया होती है, प्राणायाम की एक प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार से यह सुझाव केवल मेरी बाहरी स्तर पर पेरिफरी के ऊपर न रह करके मेरे भीतर तक जाकर कैसे बैठे, मेरे मन को कैसे प्रभावित करे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वे कैसे प्रवेश करे, उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया है कि पहले मुझे कायोत्सर्ग साधना होगा। अभी गरिमा जी आपको प्रयोग करवा रही थी, अभी गरिमा जी अभी 2-3 दिन के बाद, आप सबको शायद ध्यान है कि पूरी की पूरी अध्यात्म साधना केंद्र की टीम अजय जी और जगदेव को छोड़कर के इस वक्त लाडनू में है, और पिछली 21 दिसंबर से वे लाडनू में है और साधना का गहन प्रयोग कर रहे हैं। रोग 10 से 12 घंटे ध्यान करते हैं और सीमित मात्रा में बोलना होता है, सीमित मात्रा में भोजन करना होता है और नए नए प्रयोगों के साथ अपने आप को अनुभव के दौर से गुजारना होता है। और कभी अवसर मिलेगा और यदि वे बच्चे बांटना चाहेंगे अपने प्रयोगों को, अपने अनुभव को, तो आपके साथ बांटने का अभ्यास करेंगे। हमारे इन साधकों ने, जब मैं उनके साथ मिलने लाडनू गया पिछले सप्ताह, उनसे बैठ करके मैंने बात की, तो ये हमारे प्रशिक्षक लोग कहने लगे कि साहब हमें अब समझ में आया कि कायोत्सर्ग क्या होता है। आपको इतने लंबे समय से प्रशिक्षण दे रहे हैं और अपने साथ भी ये प्रयोग करते थे, आपके साथ करते हुए भी और स्वतंत्र रूप से भी, परंतु जब गहन साधना में जाना उन्होंने प्रारंभ किया तो कहने लगे कि साहब अब हमें समझ में आया कि ये, इसको शिथिलीकरण कहते किसे हैं, अब हमें समझ में आया कि कायोत्सर्ग होता क्या है, अब हमें समझ में आया कि विचारों का शांत होना किसे कहते हैं। जब शुरू में इन हमारे साथियों को 2 चुनौतियां आई, मैंने कहा कि आपको बैठ करके अपने आप से कायोत्सर्ग करना और 2 घंटे करना है, तो साहब अपने आप से कैसे होगा, क्योंकि करवाने का अभ्यास है तो यही माना जा रहा था कि जो करवाएंगे तो हम करेंगे। हमने कहा ये तो प्रारंभिक अवस्था है, जैसे अंगली पकड़ करके किसी को चलाते हैं, किसी को साइकिल चलना सीखता है तो कोई उसको पकड़ करके चलाता है, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपके साथ एक को ड्राइवर साथ में बैठता है सिखाता है, लेकिन जिस दिन आप चलाना सीख लेते हैं उससे पड़ोस वाले कहते हैं यार तुम चुप करो मुझे अपने आप गाड़ी चलाने दो। अब साइकिल चलाने वाला जो है छोटा बच्चा भी कह देता है कि मैं मम्मी की उंगली नहीं पकड़ूंगा, मैं अपने आप चलूंगा, तो कब तक उंगली पकड़ कर चलोगे। जिस दिन आपको अपने आप चलने का स्वाद आना शुरू हो गया उस दिन आप उंगली छोड़ना चाहोगे। तो ध्यान के मामले में क्यों आप उंगली पकड़े रखना चाहते हो। तो खैर साधक थे, उन्हें ये बात समझ में आई, फिर कहने लगे साहब 2 घंटे बैठ करके प्रयोग कैसे हो सकता है। तो अब ये हुआ कि साहब बस कुछ साधकों को तो ये कहना पड़ा कि आप इससे ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, 2 घंटे के बाद आपको बाहर आना है। अब अंदर बैठ करके जब मन शांत होने लगा, शरीर शिथिल होने लगा, चित्त अपने आप से प्रसन्न होने लगा, तो एक दूसरा अनुभव होने लगा। तो अब वहां जब शांति के साथ जब अनुभव होता है तो चंचलता का हमने अभ्यास किया हुआ है, शांति का अभ्यास नहीं किया हुआ। शांति की ट्रेनिंग हमारे पूरे शिक्षा पाठ्यक्रम में ही नहीं है। सुदीप जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, बिट्स पिलानी के पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की बहुत पढ़ाई की है, पत्नी है उनकी जो भी, वो भी MBA है, तो प्रशिक्षण लिया है उन्होंने और बहुत सोचने का प्रशिक्षण लिया है कि बहुत सोच सोच करके पूरे कैसे बड़ा काम किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सोचा जाए। एक बार भी किसी भी शिक्षा के अंदर यह प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि मैं कैसे न सोचूं, मैं किस प्रकार से भीतर शांत रह करके उस शांति का मैं आनंद ले सकूं, मैं कैसे भोजन न करूं और शरीर को भोजन से मुक्त रह करके, विश्राम दे करके किस प्रकार से आनंद का अनुभव करूं, मैं किस प्रकार से विचारों को शांत करके आनंद का अनुभव कर सकूं, किस प्रकार से मैं मौन रह करके एक आनंद का अनुभव कर सकूं। अब हमारे ये साथी कहने लगे जब मैं मिला कि, मैंने कहा अच्छा बताइए क्या अनुभव रहा, तो कुछ देर लगी उनको बोलने में कि सर बोलने का मन नहीं करता है, अब इच्छा नहीं हो रही कि हम बोले, बस शांत रहने का मन करता है कि कोई बुलाए नहीं हमें। तो ऐसा अनुभव क्यों होने लगा, ये अनुभव इसलिए कि हम भीतर से शांत होने लगे, भीतर से प्रसन्न होने लगे, लेकिन इसका प्रशिक्षण हमारे जीवन में शामिल नहीं था। प्रेक्षा ध्यान का यह प्रशिक्षण जो है वो भीतर से शांत होने का, भीतर से मौन होने का, शरीर को विश्राम देने का, मन को विश्राम देने का, और विश्राम के बाद जो उसकी अनुभूति होती है, दूसरी अनुभूति होती है, उसका आनंद लेने का प्रयोग है। और ये सारे के सारे आनंद के प्रयोग अपने आप से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारे आप हमें अपने आप से इम्यून बनाते हैं।
और जब हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी तो फिर तो शरीर में ही तो वैक्सीन तैयार हो गई ना, इम्यूनिटी ही तो वैक्सीन है, इम्यूनिटी से बड़ी वैक्सीन कहाँ से आएगी। यह इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का विषय है कि यूरोप के देशों से वैक्सीन, यूरोप के देशों में कोरोना का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ, वे अभी भी जूझ रहे हैं। उनके तो हाइजीन स्टैंडर्ड हमसे बहुत ज्यादा ऊंचे थे, उनका तो हेल्थ पैरामीटर्स हमसे बहुत ज्यादा ऊंचे थे, उनके तो हेल्थ केयर जो है वो हमसे बहुत ज्यादा ऊंची थी, उनका न्यूट्रिशन लेवल हमसे बहुत ज्यादा ऊंचा। और भारत की तो 130 132 करोड़ की पॉपुलेशन, कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और हेल्थ पैरामीटर्स के आगे झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की बात करें तो कहेंगे कि साहब इनका इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से आएगा। लेकिन देखिए, लगता ऐसा है कि प्रकृति ने व्यवस्था की कि उसी हाइजीन लेस से, अनहाइजीनिक कंडीशन से ही कहीं शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो गई। जब थोड़े थोड़े रोग, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन शरीर के अंदर रोग के कीटाणुओं को प्रवेश करवाता है, केवल इतनी मात्रा में प्रवेश करवाता है कि वह शरीर को बीमार न करे और उससे लड़ने के लिए शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति अपने आप पैदा हो जाए। और जब प्रतिरोधात्मक शक्ति अपने आप से पैदा हो जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप से पैदा हो जाएगा, तो वह रोग का कीटाणु आकर के जब अटैक करना शुरू करेगा तो अपने आप से वहां व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, वो उनको मार करके भगा देगा। तो वही व्यवस्था जो है, जिन्होंने जो कम हाइजीन में रह रहे हैं, कई बार उनमें इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा हो जाता है। मैं इस बात की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं कि हमें अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना है, मुझे कोई गलत न समझ ले, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकृति में अपने आप व्यवस्था है। यदि हम प्रकृति के इस सिद्धांत को समझ लें कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए भेजा है, बीमार रहने के लिए नहीं भेजा, हम जानबूझकर प्रयास कर अपने आप को बीमार करते हैं, हम पूरा जोर लगा देते हैं कि किस प्रकार से हम बीमार हो जाएं, और पूरी जीवनचर्या को बदलते हैं, पूरे बोलने को बदलते हैं, पूरे सोचने को बदलते हैं, पूरे भोजन को बदलते हैं, यह हमारे सामने बड़ी चुनौती है। तो यदि हम यह व्यवस्था रख करके चलेंगे, तो अभी कोरोना के बाद भी तो बात आ रही है, एक नया जो कौन सा वो नया स्ट्रेन आ गया है, यूके से वहां की फ्लाइट्स बंद करनी पड़ी कि साहब वहां एक नया रोग पैदा हो गया है, वो कोरोना से ज्यादा भयंकर है। तो ये तो चुनौतियां नित नई आती रहेंगी। और वैक्सीन के बारे में ये कहा जाता है कि अभी तो पुरानी जो वैक्सीन चल रही है उनके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी सक्सेसफुल है, जैसे HIV की वैक्सीन है या दूसरे रोगों की वैक्सीन है, उनका सक्सेस रेशियो क्या है। अभी तो जिनको चलते हुए 40-40 साल हो गए उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, तो नई वैक्सीन के बारे में तो निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। और इस एक वैक्सीन के बारे में और इस एक कोरोना के बारे में सोचें, तब तक कोई नई दूसरी चुनौती आ गई तो फिर क्या करेंगे, कि क्या सारा जीवन एक के बाद दूसरी चुनौती का सामना करने में लगा देंगे, या इस जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। तो यदि हमें अपने इस जीवन का आनंद लेना है और अपने भीतर अगर हमें वैक्सीन को पैदा करना है, तो हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होगा। और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर को क्रियाशील करना होगा, इससे श्रम करवाना होगा, जिससे कि वह जितना सुरस्थिति के भंडार वाली बात इसके साथ लागू हो सके। हमने अपने भोजन के बारे में इस बात की जागरूकता रखनी होगी कि कौन सा भोजन पोषण देने वाला है और कौन सा भोजन हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक्स पैदा करता है। हमारे वाणी के बारे में हमें यही सोचना होगा, हमारे विचार के बारे में हमें यही सोचना होगा, और हमें यह सोचना होगा कि जीवन में क्या वह संतुलन पैदा कर रहे हैं हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, हमारे जीवन की हर क्रिया के अंदर, कि जिससे जितना टॉक्सिक्स पैदा हो रहे हैं उतना डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितनी बीमारी पैदा हो रही है उतनी इम्यूनिटी साथ साथ में डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि यह संतुलन हमारे जीवन में बना रहेगा तो फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा तो फिर हमें किसी कोरोना से और किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, और फिर हमारी वैक्सीन हमारे अंदर भीतर ही तैयार हो जाएगी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग वैक्सीन को पैदा करने का प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग सहज रूप से प्रसन्न रहने का प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग अपने जीवन के पूरे दर्शन को, अपने पूरे की पूरी चर्या को, अपने सारे के सारे लाइफस्टाइल को परिवर्तित कर स्वस्थ और सुंदर जीवन बनाने का प्रयोग है। इसे हम जीवन में स्थान दें,
प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना। आपका किसी का प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, अन्यथा समय संपन्नता की ओर है। धन्यवाद। लगता है कोई प्रश्न नहीं है सर। ठीक है, सर्दी के अंदर जुबान खोलना भी मुश्किल काम है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। जेन सर, जस्ट वांटेड टू से टॉक वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खासकर आजकल एक तो कंफ्यूजन चल रहा है वैक्सीन और नॉट वैक्सीन। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द वैक्सीन, सो योर टॉक वाज यू नो वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड के यू नो इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। जी, दैट इज मैं निवेदन, मैं कई बार इस बात की एडवोकेसी करता रहा हूं और अलग अलग ब्लॉग लिखता रहा हूं। राजनीतिक कारण हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि सरकारें इतना साहस नहीं कर पाती, वो इतना करेज नहीं दिखा पाती। देर आर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल सर्वाइवल कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स। नहीं तो सरकारों ने ये इतने बड़े लॉकडाउन की जगह केवल इस बात की व्यवस्था की होती कि इतनी ही कैंपेनिंग की जाती हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की, या प्राकृतिक रूप से जो काढ़े हैं हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करते हैं उन काढ़ों को पिलाने की। एक काढ़े की कीमत एक व्यक्ति की एक दिन की डोज 1 रुपए की आती है। 130 करोड़ लोगों को रोज एक बार फ्री में भी काढ़ा पिलाया जाए तो शायद 130 करोड़ रुपए भी नहीं, शायद 100 करोड़ रुपया रोज खर्च होंगे, और उससे कितना गुना पैसा तो हमारा केवल इस लॉकडाउन के कारण चल जा चुका है और सारी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई। उसी प्रकार से इस बात का बहुत गहन प्रशिक्षण दिया होता कि कैसे ही हम अपने आप से स्वस्थ रह सकते हैं तो शायद हमें बहुत वैक्सीन खोजने की और अपने इस सारे के सारे पूरे तंत्र को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बड़ा कठिन है इतनी बड़ी चुनौती को लेना, और राजनीतिक स्तर पे जहाँ पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और वहाँ प्रेशर्स एंड काउंटर प्रेशर्स हो, इन चुनौतियों को स्वीकार करना बड़ा कठिन काम होता है। अपने स्तर पर हमें इसका प्रयास करना होगा, सरकारों से आप तो ये अपेक्षा नहीं रख सकते। सर, वैक्सीन के बारे में आपने क्लियर करा, थैंक यू, बहुत समझ में आई बात। नहीं तो ऐसे लग रहा था वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन लगानी है, हम लोगों को इतना समझ कहां है। लेकिन मैं लगानी है नहीं लगानी है इसके बारे में अपनी राय, वो नहीं सर, कंफ्यूज दूर हो गया ना, कंफ्यूज दूर हो गया, थोड़ा कंफ्यूज होता है ना एक आदमी के दिमाग में। जी जी जी, वो दूर हो गया सर। थैंक यू सर, स्वागत है आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज कैरी ऑन। तो धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा दिया है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों की प्रेरणा शायद काम आएगी और हमारे साथ अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मौसम भी बदल रहा है धीरे धीरे।